नमस्कार एंड वेलकम टू हरीश फिजियोथेरेपी। आज का हमारा वीडियो है फ्रोजन शोल्डर पे। ये एक फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन है और आप जानते हैं कि आसानी से इससे छुटकारा नहीं मिलता है। आप जब ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो आपके पास में सिंपली कुछ पेन किलर मेडिसिंस दे देते हैं और आपको एक्सरसाइज के लिए भेज देते हैं। हम जानते हैं कि एक्सरसाइजेस बेस्ट है फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने के लिए। इसके कुछ मिथ्स है, कुछ फैक्ट्स है। आज का जो हमारा वीडियो है वो आपका थिंकिंग प्रोसेस ही चेंज कर देगा। जी, 2019 में मैंने डॉक्टर जर्मी लुइस से शोल्डर का कोर्स किया था, शोल्डर थ्योरी एंड प्रैक्टिस, जहां पर फ्रोजन शोल्डर को बहुत अच्छे से समझने के बाद मैंने पिछले 2 साल में कई सारे पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी से, फ्रोजन शोल्डर से ठीक किया है। आप भी अगर ऐसी कोई कंडीशन से जूझ रहे हैं और आपके सवाल हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। कई सारी पोजीशंस, कई सारे क्वेश्चंस, क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, क्या एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए, स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहिए, क्या फ्रोजन शोल्डर जल्दी ठीक हो जाता है, और अगर 1 मिनट में फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाता है तो क्या वो फ्रोजन शोल्डर है। ऐसे कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। हमारा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में फ्रोजन शोल्डर से रिलेटेड कई सारी चीज़ों को ठीक से आपको समझा सकूं। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। शुरुआत कहां से होती है, कहां से आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है, आप किस स्टेज पर हैं, क्या एक्सरसाइज के अलावा भी कुछ और है जो आपकी मदद कर सकता है, क्या सर्जरी ही इसका एक ऑप्शन है, क्या सर्जरी के बाद में फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाएगा, अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो लास्ट तक बने रहिए मेरे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। फ्रोजन शोल्डर के बारे में हमें अगर जानना है तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि फ्रोजन शोल्डर क्यों इतना इरिटेटिंग है और क्यों इतना प्रॉब्लम करता है। तो सबसे पहली बात, फ्रोजन शोल्डर को लेकर के बहुत सारे मिसकंसेप्शन है जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। इसी के लिए कुछ थ्योरी है जो अगर आप लोगों को पता होगी तो आपके लिए फ्रोजन शोल्डर को ठीक करना बहुत आसान हो जाएगा। तो बिना वक्त गंवाए चलते हैं हम हमारी पहली स्लाइड की तरफ। जैसा कि नाम फ्रोजन शोल्डर है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट है। इसके कई सारे दूसरे नाम भी है, जैसे पेरीआर्थराइटिक शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर, बाइसिपिटल टीनोसाइनोवाइटिस, 50 ईयर्स शोल्डर्स भी इसको जापान और चाइना में कहा जाता है। कुछ लोग इसे फ्रोजन शोल्डर सिंड्रोम कहते हैं, एडेसिव कैप्सुलाइटिस, कॉन्ट्रैक्चर सिंड्रोम, फ्रोजन शोल्डर कॉन्ट्रैक्चर सिंड्रोम, ये इसके नॉर्मल नाम है। पर अगर आपको इसके अलावा भी कुछ नाम पता हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। फ्रोजन शोल्डर ये भी हो सकता है कि फेशिया की वजह से हो सकता है हमारी फेशिया जो है वो टाइट हो, स्ट्रेस्ड हो, इन्फ्लेम्ड हो, जिसकी वजह से हमारा कंधा जाम हो, तो कोई भी वजह हो सकती है। कई बार ओवर प्रोटेक्शन और फियर, जी बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को डर होता है कि अगर वो मूवमेंट करेगा तो उसको पेन आ जाएगा, तो ओवर प्रोटेक्शन में वो बंदा उसको नहीं करता है और हाथ को एक पर्टिकुलर जगह पर ला करके मूव नहीं करने देता है। जब हम उसको एनेस्थीसिया देते हैं और एनेस्थीसिया के दौरान उसके हाथ का मूवमेंट कराया जाता है तो पूरा का पूरा हाथ मूव कर जाता है। तो फ्रोजन शोल्डर एनेस्थीसिया में जब पूरा जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि ऐसा हो सकता है कि ये स्यूडो या फिर हमारा फ्रोजन शोल्डर नहीं होकर के ब्रेन उसको खेल रहा हो। एक टर्म है एडेसिव कैप्सुलाइटिस, जिसमें कहा जाता है कि कैप्सूल में एडिशंस बन जाते हैं, जबकि ऐसी बात बिल्कुल सही नहीं है। कैप्सूल में कुछ एडिशंस नहीं बनते हैं। कैप्सुलर टिश्यूज जो हैं शोल्डर के वो कभी भी जुड़ते नहीं हैं। ऐसा भी मिथ है, ऐसा भी कहा जाता है कि ये शोल्डर कुछ समय बाद अपने आप से सही हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। हम ऐसा कहते हैं कि 12 से 18 महीने में शोल्डर अपने आप से ठीक हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। कई सारे लोग कहते हैं कि आप बहुत सारी स्ट्रेचिंग करिए, आपके शोल्डर में जो भी जाम है वो स्ट्रेचिंग से ठीक हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। और हमें अगर ऐसा लगता है कि बहुत सारी मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स लगा करके इसे ठीक किया जाता है तो वो बात भी सही नहीं है। तो इतने मिथ्स के बाद चलते हैं हम आगे। हम ये देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है शोल्डर के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए।
तो मेनली मैंने इसमें तीन फैक्टर्स को रखा है, एक्सटर्नल, इंटरनल और सिस्टेमिक फैक्टर्स को। एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर बात करें तो हो सकता है कि शोल्डर ना हो, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हो, पूरी बॉडी में कोई और जगह शॉक लगा हो, कोई ट्रॉमा हो, अगर आदमी सीडेंट्री लाइफस्टाइल में हो, उसकी फिजिकल एक्टिविटी लो हो, या फिर कोई कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स हुए हो तो भी उसको शोल्डर में इफेक्ट आएगा। अगर इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो शोल्डर ट्रॉमा हो सकता है, या प्रीवियस में कोई शोल्डर की सर्जरी हुई भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि ग्लेनोहेमरल जॉइंट में कोई इन्फेक्शन हो, या फिर कोई रोटेटर कफ की पैथोलॉजी हो सकती है। सिस्टमेटिक फैक्टर्स की बात करें अगर फ्रोजन शोल्डर की, तो जेनेटिक फैक्टर्स एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिक फैक्टर्स जैसे डायबिटीज वगैरह है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, या शरीर में कोई इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, तो भी हो सकता है कि हमारे शोल्डर्स जाम हो, फ्रोजन शोल्डर हो। फ्रोजन शोल्डर की स्टेजेस की बात करें तो तीन स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज जो है वो है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग स्टेज में पेन ज्यादा होगा और स्टिफनेस कम होगी। सेकेंड स्टेज आती है फ्रोजन। फ्रोजन स्टेज में स्टिफनेस ज्यादा होगी और पेन कम होगा। फिर है थाइंग स्टेज, जिसके अंदर में रिकवरी होने लगती है, रिजोल्यूशन होने लगता है, ये हमारी थर्ड स्टेज होती है। ऐसा कहा जाता है कि 30 महीने या 2 साल के करीब फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाता है, और कुछ कुछ रिसर्चर्स ने चेक किया है कई बार ये 7 साल भी ले लेता है। जी, फ्रोजन शोल्डर अधिकतर 90% बिना कोई इलाज के ठीक हो जाता है, पर ऐसा कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं है, ऐसा कोई सिस्टमेटिक रिजोल्यूशन नहीं है कि आप ये चीजें करेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे तो आपका शोल्डर ठीक हो जाएगा। ऐसा अभी तक कोई रिसर्च प्रूव नहीं कर पाई। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 45 से लेके 65 तक के लोग फ्रोजन शोल्डर से अफेक्टेड होते हैं, अचानक से उठते हैं और उनको अचानक से ये दर्द उठता है और शोल्डर का मूवमेंट चला जाता है, और वो यही बोलते हैं कि हाथ ऊपर उठ नहीं पा रहा है, और ये चीजें अचानक से शुरू होती है। इसमें अभी कोई खास वजह नहीं पता है, इडियोपैथिक फ्रोजन शोल्डर। अगर इसके सिन फैक्टर्स की बात की जाए तो सीवियर पेन होगा, कॉन्स्टेंट पेन होगा, और अनरिलेंटिंग यानी कि बहुत ही बेदर्द सा पेन होगा, इतना पेन होगा कि आप सहन नहीं कर पाएंगे। ये फ्रोजन शोल्डर स्टार्टिंग में इतना इजीली एग्रेवेट हो जाता है, इतना इजीली इरिटेट हो जाता है कि एक्सरसाइज करना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका हाथ में अचानक से जोर आए या झटका लगे, एक्सीडेंटली कुछ किसी ने हाथ लगाया, तो भी आपको दर्द महसूस करना पड़ सकता है। हम अगर बात करें कि दर्द की लोकेशन क्या है, तो हमारे पूरे कंधे में वो कहीं पे भी हो सकता है, कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है कि आपको ये बोला जाए कि इस जगह है या इस जगह है। हमेशा जो भी दर्द होगा वो वाइड स्प्रेड होगा, कहीं पे भी हो सकता है, और इसको ठीक करने के फिलहाल कोई फैक्टर्स नहीं है। हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर किसी को डायबिटीज मलाइटस है, शुगर है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल में है, स्मोकिंग करता है, या उसका कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ा हुआ है, तो उनको फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमको हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स को ठीक करना चाहिए। हम अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो एक्सरसाइज के दौरान या फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने के दौरान स्मोकिंग छोड़नी चाहिए। अगर हम फिश ऑयल या कॉड लिवर ऑयल लेते हैं, प्रॉपर स्लीप करते हैं, रनिंग और एक्सरसाइज जारी रखते हैं, तो हमारा शोल्डर जल्दी से ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन की। तो हमें ये पता रहना चाहिए कि इक्वली एक्टिव और पैसिव दोनों मूवमेंट्स का लॉस होगा। अगर एक्टिवली पेशेंट ज्यादा शोल्डर को मूव नहीं कर पा रहा है, पर पैसिवली आप या वो अपने हाथ से उसको पूरा ऊपर उठा के ले जा पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसे हम फ्रोजन शोल्डर नहीं कहेंगे। फ्रोजन शोल्डर में मेनली एब्डक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन चला जाता है। तो ये एग्जामिनेशन से हमें पता चलता है कि अगले को बंदे को फ्रोजन शोल्डर है या नहीं।
उसके बाद में जब हम इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं तो सबसे पहली बात हमको एक्सरे चाहिए। एक्सरे में हमें फ्रोजन शोल्डर का तो पता नहीं चलता, पर हमें कई सारी दूसरी चीजें पता चलती है, जैसे कि क्या वो आर्थराइटिक शोल्डर तो नहीं है, क्या वहां नेक्रोसिस तो नहीं है, या कोई हेयरलाइन फ्रैक्चर तो नहीं है। अगर ये सारे कंडीशंस, ये सारे फैक्टर्स एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं, तब हम फ्रोजन शोल्डर को बहुत बेहतर तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगली चीज में अगर जाएं हम, तो हमें एमआरआई देखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक्सरे में नहीं आती है। एमआरआई की अगर हम बात करते हैं, तो एमआरआई से हमें अगर उसमें वहां कोई गांठ है, कोई नोड्यूल है, या कोई सार्कोमा है, ऑस्टियोसार्कोमा या कॉन्ड्रोसार्कोमा, तो उसका पता चल जाता है। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, कि हमें कब कब और क्या क्या नहीं करना है। तो अगर पेशेंट को कैंसर की हिस्ट्री है, कोई अनयूजुअल साइन है, या फिर पेशेंट की कंडीशन बार बार खराब हो रही है और ज्यादा ही खराब हो रही है, तो हमें उनको एक्सरसाइज नहीं करानी है और आगे डॉक्टर के पास फर्दर भेज देना चाहिए। हमें ये याद रखना है कि कैप्सुलाइटिस जो है उससे फ्रोजन शोल्डर होता है, मगर हर कोई फ्रोजन शोल्डर कैप्सुलाइटिस की वजह से नहीं होता है। कई बार, जैसा कि मैंने आपको कहा, फियर की वजह से भी बंदा हाथ ऊपर नहीं उठा पा रहा होता है, इसको फॉल्स फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। नॉर्मल जनरल एनेस्थीसिया में अगर उसको हाथ को ऊपर उठाया जाए तो चला जाएगा। फ्रोजन, फॉल्स फ्रोजन शोल्डर होने के कारण कॉन्फिडेंस में कमी, एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, फेटीग या वीकनेस हो सकते हैं। हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर सीवियर पेन है और सीवियर स्टिफनेस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डैमेज भी सीवियर होगा। हर आदमी को जरूरत नहीं है ऑपरेशन की या फिर ट्रीटमेंट की, कई सारी फ्रोजन शोल्डर्स अपने आप से ठीक हो जाते हैं। दूसरी चीज, अगर कैप्सुलाइटिस है, अगर फ्रोजन शोल्डर वास्तव में है, तो ये टाइम लेगा। ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं है कि एकदम से ठीक हो जाए, जैसा कि यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस आपको बता रहे हैं। हमारे इस पार्ट के बाद में चलते हैं अब हम हमारे एक्सरसाइज पार्ट की तरफ। फ्रोजन शोल्डर के बारे में इतना कुछ जान लिया है आपने, और अब वक्त आ गया है कसरत करने का। तो हमें एक्सरसाइज शुरू कैसे करनी है, इसको तीन कैटेगरीज में डाला है। पहला, हाईली इरिटेबल, यानी कि इतना इरिटेट कर रहा है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मॉडरेटली इरिटेबल, जहां आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, और लेस इरिटेबल, जहां आप कंफर्टेबली एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाईली इरिटेबल में आपको पेन होगा, तो हमने कोशिश की है इसको आइसोमेट्रिक्स में। जानिए, शुरू करते हैं अब एक्सरसाइज पोर्शन। चलिए,